Hi friends, I'm Dr. Prabhat and today we are going to discuss the mechanism of action of B cell and T cells. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था द स्ट्रक्चर ऑफ lymphoid organ, lymphoid tissue, all the cells of immune system of the body and the chemical involved in the immune system of the body. So in last lecture we have seen the structure of immune system, कि हमारी immune system किन किन चीज़ों से मिलकर बना है. अभी हम इस लेक्चर में ये देखने जा रहे हैं कि बी सेल एंड टी सेल्स विच यू हैव टोल्ड मी दैट दे आर द पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, ये बी सेल एंड टी सेल किस तरीके से एक्टिवेट होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, है ना. सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बी सेल एंड टी सेल. एंड लास्ट लेक्चर में आपने मुझे बताया था कि टी सेल वाले इम्यूनिटी को हम लोग बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम. सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, ठीक है, क्यों बोलते हैं वापस से इस बात को हम इस लेक्चर में देखेंगे. सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम. एंड बी सेल वाले को हम बोलते हैं, बी सेल्स वाले को बोलते हैं हम ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम और आपका एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, ठीक है. तो ह्यूमरल एंड MIS मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, है ना. सो मीडिएटेड इम्यून सिस्टम. सो इन दोनों का किस तरीके से एक्टिवेशन और काम है, आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं. देखो, जब भी कोई पैथोजन आपकी बॉडी में आता है, पैथोजन इन बॉडी. नाउ व्हाट इज पैथोजन? पैथोजन क्या है? डिजीज कॉजिंग एजेंट. इट माइट बी बैक्टीरिया, इट माइट बी वायरस, इट माइट बी फंगाई एटसेट्रा. तो वो पैथोजन में, सपोज दिस इज द पैथोजन, उस पैथोजन का कोई एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जो कि एंटीजेनिक होता है. सपोज दिस इज द एंटीजेनिक पार्ट. एंटीजेनिक पार्ट मतलब लास्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज एंटीजन, द पार्ट विच हैज़ कैपेबिलिटी टू इनिशिएट द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी. तो वंस दिस एंटीजेनिक पार्ट विल एंटर इनटू द बॉडी, इट विल इनिशिएट और एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम. तो ये पैथोजन हमारी बॉडी में आया विद द एंटीजेनिक पार्ट. नाउ दिस पैथोजन विल कम एंड विल इंटरेक्ट विद अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स नोन एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. नाउ व्हाट इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स? देखो, हमारी बॉडी में कई सेल्स ऐसे होते हैं जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की तरीके से काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल डेंड्रेटिक सेल्स, है ना. फॉर एग्जाम्पल डेंड्रेटिक सेल्स इन द स्किन. फॉर एग्जाम्पल हिस्टियोसाइट्स. फॉर एग्जाम्पल बी लिम्फोसाइट इटसेल्फ कैन एक्ट एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. मैक्रोफाजेस कैन एक्ट एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. आप ये समझो, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का एक अलग से स्लाइड भी है, हम देखेंगे वहाँ पे कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का काम क्या है. एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, सपोज दिस इज द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ये इससे इंटरेक्ट करेगा और इंटरेक्ट करके क्या करेगा इसको समझिए आप. एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर्स बनेंगे जिसे MHC या HLA रिसेप्टर बोलेंगे. ना व्हाट इज दिस MHC और HLA, ये भी हमें अलग से पढ़ना है. अभी के लिए आप समझो कि इसके ऊपर, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर MHC या HLA आया और ये MHC और HLA के ऊपर कौन लग गया, ये पैथोजन का जो एंटीजेनिक पार्ट है ना वो यहाँ लग गया. ये जो पार्ट आपने दिखाया था मुझे वो यहाँ पे लग गया. तो पूरे पैथोजन में से वो पार्ट जो एंटीजेनिक है उसे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने अपने ऊपर एक्सपोज कर लिया. कहाँ पे अपने ऊपर कहाँ पे एक्सपोज कर लिया? तो MHC जहाँ पे था वहाँ पे जाके वो लग गया और वहाँ एक्सपोज कर लिया. नाउ दिस कम्प्लेक्स, दिस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल विथ दिस एंटीजन एक्सपोज ऑन इट्स सर्फेस, नाउ इट विल गो एंड इट विल इंटरेक्ट विद द टी सेल. Now it will interact with the T cell and it will lead to the activation and differentiation of T cells. Now T cell will form four type of cells. Kaun kaun se? T helper cell, T killer cells also known as T cytotoxic cell, T suppressor cell and T memory cells. ये चार टाइप के सेल्स में ये डिफ्रेंशिएट होगा T सेल्स. इनका काम सुनो, एक चीज़ पहले ये जानो, T हेल्पर सेल को ही आप CD4 सेल्स बोलते हो. वट इज CD? CD वर्ड स्टैंड्स फॉर सेल्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन. सो इट हैज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्रेंशिएशन रिसेप्टर CD4, उस इसलिए इसका नाम CD4 लगती है. वैसे ही दिस इज नोन एज सेल्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन टाइप 8, CD8 टाइप ऑफ सेल्स, है ना. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टी हेल्पर सेल्स? टी हेल्पर सेल विल फॉर्म सम केमिकल, सम लिम्फोकाइन, सम इंटरल्यूकिन. सो दे विल फॉर्म सम इंटरल्यूकिन और लिम्फोकाइन और केमिकल लिम्फोकाइंस
इनका क्या काम होगा? दे विल कम एंड विल लीड टू मोर एक्टिवेशन एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ द टी सेल्स. तो ये इस प्रोसेस को बढ़ाएगा. एक चीज़ और करेगा ये टी हेल्पर सेल, ये बी सेल को जाके डिफ्रेंशिएट करेगा, और बी सेल डिफ्रेंशिएट होगा किस में चेंज होगा? प्लाज्मा सेल्स में. प्लाज्मा सेल्स में अब देखिए इसके आगे की हम बात करेंगे. प्लाज्मा सेल्स का क्या काम है वो हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे, पीटीओ में लिख रहा हूँ. अभी हम टी सेल्स वाले पार्ट पे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है. अभी के लिए आप ये समझो बी सेल से टी सेल बना बाय लिम्फोकाइन. अभी देखो हेल्पर सेल का काम देखिए. अब साइटोटॉक्सिक सेल का क्या काम है? ये साइटोटॉक्सिक सेल दे प्रोड्यूस सम परफोरिन, दे प्रोड्यूस सम लिम्फोटॉक्सिन्स. लिम्फोटॉक्सिन्स इनका क्या काम होता है? दे डायरेक्टली गो, सपोज दिस इज द रेड कलर से आपने बनाया था पैथोजन, दिस इज द पैथोजन. इट दे विल गो एंड दे विल फॉर्म अ होल, परफोरेट, दे विल परफोरेट द मेम्ब्रेन ऑफ द पैथोजन और द सेल्स विच इज हार्मफुल फॉर द बॉडी. एंड ऑफकोर्स वंस द परफोरेशन विल बी क्रिएटेड, नाउ द वॉटर विल मूव आउट एंड द सेल विल डाई, दैट पैथोजन और द हार्मफुल सेल विल डाई. सो दिस इज द मेथड बाई विच टी किलर सेल्स और साइटोटॉक्सिक सेल विल डायरेक्टली किल द हार्मफुल सेल्स और द हार्मफुल ऑर्गेनिज्म विच हैज इंटर्ड इन साइड द बॉडी. सो दिस मेथड इज नोन एज CMIS, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम. टी सेल वाले को हम CMI ने सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम क्यों बोला? देखो क्योंकि सेल्स डायरेक्टली CD8 सेल्स डायरेक्टली इट्स गोइंग एंड किलिंग द पैथोजन, ठीक है. बॉडी का 60-80% ऑफ, आई विल राइट 70% ऑफ इम्यून सिस्टम जो है वो CMIS से बना हुआ है, वो CMIS से बना है, ठीक है. अब हम रुख करते हैं अपना बी सेल्स की साइड, है ना. बी सेल्स जो डिफ्रेंशिएट होकर क्या बना था? प्लाज्मा सेल्स में. आइए अभी देखते हैं उसमें क्या हो रहा है. सो बी सेल्स विल फॉर्म द प्लाज्मा सेल्स. यहीं पे मैं लिख लेता हूँ, पीटीओ हटा देते हैं क्योंकि नेक्स्ट पेज में वी हैव समथिंग एल्स. सो प्लाज्मा सेल्स विल फॉर्म एंटीबॉडी नाउ. एंटीबॉडी, सो प्लाज्मा सेल्स विल फॉर्म नाउ एंटीबॉडी. नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एंटीबॉडी? We will see that antibody is made up of two heavy chain and two light chain. ठीक है, two heavy chain and two light chain. They are light chain and these are heavy chain. So we can write this antibody as H2L2, heavy two and light two. ठीक. Now detail of this part, that how this antibody will work. And what is the structure of this antibody? Of course, important for Nitiji. We will do in short while. ठीक है, अभी के लिए आप समझो ऐसा कुछ हुआ है ना. दिस एंटीबॉडी विल गो एंड विल किल द एंटीजन, ठीक है जी. देखिए इसी चीज़ को अभी तक जो हमने पढ़ा यहाँ पे दिया हुआ है आपका टी सेल्स, ऑफकोर्स कमिंग फ्रॉम थाइमस, सो नेम इज सो, मेमोरी, सप्रेसर, किलर एंड हेल्पर. अच्छा, दो चीज़ों का आपने मेरे को फंक्शन नहीं बताया. सप्रेसर का काम क्या होगा? इस एक्टिविटी को सप्रेस करना, ये जो डिफ्रेंशिएशन एंड एक्टिवेशन चल रहा है उसे कंट्रोल में रखेगा. और मेमोरी सेल्स का काम क्या होगा? मेमोरी सेल्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी रिस्पॉन्स और एमनेस्टिक रिस्पॉन्स. आपने लास्ट लेक्चर में देखा था व्हाट इज सेकेंडरी रिस्पॉन्स और एमनेस्टिक रिस्पॉन्स. जो वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन में हम करते हैं, हमने बॉडी को एक बार प्राइमरी रिस्पॉन्स जो होता है वो वीक होता है ना, वीक होता है, स्लो होता है. और एक बार आपकी बॉडी में मेमोरी सेल्स बन गया ना, वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स विल बी स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट, है ना. लास्ट लेक्चर में देखा है हमने. सो दिस मेमोरी सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, है ना. तो ये चारों सेल्स के हमने काम देखे. देखो साइटोटॉक्सिक सेल्स फॉर्मिंग लिम्फोटॉक्सिन, परफोरिंस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर CMI, ठीक है. हेल्पर सेल देखो कुछ साइटोकाइन लिम्फोकाइन सेक्रेट कर रहे हैं एंड दिस हेल्पर सेल इज डूइंग दिस वर्क ऑल्सो एंड ऑल्सो एक्टिवेटिंग द बी सेल्स. एंड बी सेल्स आपने बोला था विल फॉर्म द प्लाज्मा सेल्स एंड ऑल्सो मेमोरी सेल्स. सेम स्टोरी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेमोरी सेल्स अगेन हियर? सेम फॉर द सेकेंडरी रिस्पॉन्स और द एमनेस्टिक रिस्पॉन्स जो आपने यहाँ पे लिखी, सेम स्टोरी वहाँ भी है, ठीक है जी. देखो एंटीबॉडी प्रोडक्शन, विल सी द टाइप ऑफ एंटीबॉडी एंड वाई दे आर नोन एज ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, वो भी हम देखेंगे, ठीक है जी. देखो यही इसको हमने डायग्राम में रिप्रेजेंट किया जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया. देखो टी सेल्स साइटोटॉक्सिक एंड हेल्पर टी सेल्स. हेल्पर टी सेल्स विल लीड टू द डिफ्रेंशिएशन. देखो टी सेल्स को मदद करेगा डिफ्रेंशिएट होने में और ये टी सेल्स विल किल द एंटीजन. वैसे ही बी सेल्स देखो हेल्पर टी सेल की मदद से प्लाज्मा सेल्स बनाएगा,
प्लाज्मा सेल्स, देखो प्लाज्मा सेल्स विल फॉर्म द एंटीबॉडी। तो ये उसी को जो हमने पीछे देखा था उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, चलिए आगे। नाउ एमएचसी, आपने अभी तक एक वर्ड सुना एमएचसी, क्या था एमएचसी, क्या सुना था आपने? आपने सुना था एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स विल हैव एमएचसी ऑन देयर सरफेस। नाउ व्हाट इज दिस एमएचसी? एमएचसी इज ऑल्सो नोन एज मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। इट्स अ सेपरेट टॉपिक ऑल्सो, विल डू दिस देयर ऑल्सो, बट यहाँ पे वर्ड आया तो इसको हम देख रहे हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज एमएचसी इज ऑल्सो नोन एज HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। वाई? बिकॉज पहली बार इसको हमने ल्यूकोसाइट में डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम रख दिया ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। नाउ एमएचसी इज द जीन फॉर एमएचसी इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोजोम नंबर 6, क्रोमोजोम नंबर 6। ठीक है, नाउ देर आर 3 टाइप ऑफ एमएचसी, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। फंक्शन ऑफ टाइप 2, इट इज प्रेजेंट ऑन APC cells एंड वंस द एक्जोजीनस एंटीजन विल कम, एक्जोजीनस एंटीजन, दिस विल बी एक्सपोज्ड बाई द APC cells विद द हेल्प ऑफ MSC2। सो एक्जोजीनस एंटीजन में MSC2 हेल्प कर रहा है। और यदि इंडोजीनस एंटीजन हो, यदि इंडोजीनस मतलब सेल के अंदर का यदि हो इंडोजीनस एंटीजन, देन MHC1 विल बी हेल्पफुल। बट एक चीज़ याद रखना, MHC1 इज प्रेजेंट इन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स, बट ये जो न्यूक्लिएटेड सेल में प्रेजेंट है, हर न्यूक्लिएटेड सेल में, बट ये जो फंक्शन होगा ना, ये सिर्फ APC करेंगे, है ना। एंटीजन प्रेजेंटेशन का काम APC करेंगे, भले ही MHC1 सब में प्रेजेंट है, बट एंटीजन प्रेजेंटेशन का काम सिर्फ APC करेंगे। 3 का क्या काम है? 3 विल बी हेल्पफुल इन द कम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन, कम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन। 3 विल बी हेल्पफुल इन कम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन। ठीक है, सो दिस इज द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स विच यू हैव टोल्ड मी, इट कैन बी मैक्रोफेज, कैन बी बी लिम्फोसाइट, एंड द सेम स्टोरी विच वी हैव डिस्कस। जिनको नोट्स बनाने हैं यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट इट। ठीक है, देन वी हैव, देखो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ये इट्स एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, दिस ग्रीन कलर स्ट्रक्चर, एक एक्जोजीनस एंटीजन आया है, ये देखो ये MHC है, दिस इज MHC 2 देखो, और ये आपका एंटीजन है, इसको एक्सपोज कर दिया गया एंटीजन ऊपर, है ना। सो दिस इज द मेथड, देखो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने एक्जोजीनस एंटीजन को लिया, उसे प्रोसेस करके MHC 2 से अपने ऊपर लगा लिया। ठीक है, चलिए आगे। ये देखिए ये इंडोजीनस एंटीजन है, तो इस बार MHC 1 हेल्प कर रहा है, देखो इस बार MHC 1 हेल्प कर रहा है एंटीजन को एक्सपोज कराने में अपनी सरफेस पे। ठीक, देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टी सेल्स, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, वंस द टी सेल्स हैज बीन डिफरेंशिएटेड बाय, ऑफ कोर्स APC सेल्स विल कम एंड विल एक्टिवेट इट एंड डिफरेंशिएट इट इनटू 4, टी हेल्पर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल, टी सप्रेसर सेल एंड टी किलर सेल। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि नाउ द साइटोटॉक्सिक सेल्स विल फॉर्म द होल और विल प्रोड्यूस द परफोरिन एंड लिम्फोटॉक्सिन, विल प्रोड्यूस द होल इन द पैथोजन और द हार्मफुल सेल्स एंड विल किल द सेल। ठीक है, सो ऑलरेडी वी हैव डन दिस। देखो सेम थिंग नाउ इन दिस डायग्राम, द इनएक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल्स हैज बीन एक्टिवेटेड बाई APC, एंड देखो नाउ देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ मेमरी हेल्पर सेल्स एंड एक्टिवेटेड हेल्पर सेल। द डायग्राम एज सच इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वॉट एवर आई एम सोइंग दे आर नॉट फ्रॉम NCERT, इट्स जस्ट फॉर द विजुअल रिप्रेजेंटेशन कि ऐसा कुछ है। वैसे ही देखो नेक्स्ट, इसमें भी आप छोड़ सकते हैं डायग्राम को, जिन बच्चों को इंटरेस्ट है वो दे कैन पॉज एंड दे कैन वॉच दिस स्लाइड, अदरवाइज इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सेम स्टोरी देखो, ग्रेनजाइम्स आर द टाइप ऑफ परफोरिंस, है ना, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कैसे किल कर रहे हैं, ऑलरेडी वी हैव सीन ऑल दिस स्टोरी, जस्ट फॉर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। नाउ वी आर कमिंग टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बी सेल्स। देखो थोड़ी देर पहले हमने ये स्लाइड, आई होप आपको याद आ रहा है, ये हमने डिस्कस किया था ये वाली स्लाइड, है ना, कि किस तरीके से बी सेल एक्टिवेट हुए हैं प्लाज्मा सेल्स में और एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो रहा है। इसी चीज़ को हम आगे लेके जा रहे हैं अभी, कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बी सेल्स, बी सेल कैसे काम करें। एक चीज़ पहले आपने मेरे को बता दी कि बी सेल विल बी एक्टिवेटेड टू फॉर्म द प्लाज्मा सेल्स मेनली विद द हेल्प ऑफ टी हेल्पर सेल्स। नाउ दिस प्लाज्मा सेल विल फॉर्म द एंटीबॉडी,
और आपने मुझे ये भी बताया दैट एंटीबॉडी हैव टू हैवी चेन एंड टू लाइट चेन, ये भी बोला था आपने। नाउ ध्यान से देखो, लाइट चेन का आधा पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज वेरिएबल पार्ट ऑफ द लाइट चेन, एंड हैवी चेन का दिस पार्ट इज नोन एज वेरिएबल पार्ट ऑफ हैवी चेन, हैवी चेन एंड दिस इज ऑफ लाइट चेन। एंड जो दूसरा एंड है ना, उसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट पार्ट। सो दिस जोन विल बी द कॉन्स्टेंट पार्ट ऑफ लाइट चेन एंड दिस विल बी द कॉन्स्टेंट ऑफ हैवी चेन। ठीक है, वाई वी आर सेइंग दैट दिस कॉन्स्टेंट एंड द वेरिएबल थिंग, वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्या है ये कॉन्स्टेंट वेरिएबल, सुनो। सो दिस एंटीबॉडी विच इज नथिंग बट इम्यूनोग्लोब्यूलिन इन स्ट्रक्चर, इम्यूनोग्लोब्यूलिन इन इट्स स्ट्रक्चर इज ऑफ फाइव टाइप्स, इट्स ऑफ फाइव टाइप्स, हम याद रखते हैं गेम डी, जी ए एम ई डी, है ना, आई जी जी, आई जी ए, आई जी एम, आई जी ई एंड आई जी आई जी डी। ठीक है, ये अब देखो, इसमें से हर एक एंटीबॉडी की कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, वो देखेंगे हम। जैसे हम देखेंगे आई जी एम इज पेंटामर, है ना, ये पेंटामर है, पांच लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है, इट कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा, ये सब ऐसे कुछ डिफ्यूजन की कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर है। ये कौन डिसाइड करता है, ये कॉन्स्टेंट जोन डिसाइड करता है, कॉन्स्टेंट जोन डिसाइड करता है। बट ये एंटीबॉडी क्यों बना है, इन रिस्पॉन्स ऑफ एंटीजन बना है। नाउ सपोज द साइज ऑफ एंटीजन इज दिस, और साइज ऑफ एंटीजन कैन बी दिस, और साइज ऑफ एंटीजन कैन बी दिस, फाइनली द एंटीजन हैज़ टू कम एंड विल अटैच इटसेल्फ टू दिस साइड, दिस इज एंटीजन बाइंडिंग साइड, दिस इज एंटीजन बाइंडिंग साइड, हम जो भी इस साइड लिख रहे हैं इट्स ट्रू फॉर बोथ साइड। हाँ, अब देखो दो बाइंडिंग साइड एंटीजन का, एक ये और एक ये, सो दिस इज बाईवेलेंट, दिस इज बाईवेलेंट, है ना, एंटीबॉडी इज बाईवेलेंट, यानी दो एंटीजन बाइंड कर सकते। अब ध्यान से सोचो, यदि एंटीजन का शेप ऐसा हुआ तो यहाँ का स्ट्रक्चर कैसा होना पड़ेगा, वैसा होना पड़ेगा कि रेक्टेंगल को फिट कर पाए, लॉक एंड की मेथड से जैसे फिक्सिंग होती है। यदि ट्रायंगुलर हुआ तो फिर वैसा होना पड़ेगा ताकि वो फिक्स हो पाए, यदि सिलेंड्रिकल हुआ तो वैसा होना होगा ताकि सिलेंड्रिकल फिक्स हो पाए। तो वेरिएबल पार्ट हैज़ टू वेरी, सो वेरिएबल पार्ट हैज़ टू वेरी एज पर एंटीजन, जैसा एंटीजन है वैसा वेरी करना पड़ेगा। सो दिस इज द वेरिएबल पार्ट का इंपॉर्टेंस, एंड कॉन्स्टेंट पार्ट का इंपॉर्टेंस आपने बताया, इट्स स्पेसिफिक फॉर द कैरेक्टर ऑफ दैट स्पेसिफिक एंटीबॉडी, टाइप ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, देखिए सेम स्टोरी, माइक्रोब से आपका प्लाज्मा सेल्स बना, एंड नाउ दिस प्लाज्मा सेल्स आर फॉर्मिंग द एंटीबॉडी, है ना। एक चीज़ क्लोनल वर्ड बार बार आपको दिखेगा इस डायग्राम में, क्लोनल का मतलब क्या होता है, देखो एंटीजन जो आया, जो माइक्रोब्स आया, इट्स सेम टू इच अदर, यानी जो प्लाज्मा सेल्स बनना चाहिए वो भी एक दूसरे से सेम होना चाहिए ताकि एंटीबॉडी सेम बने। सो दिस इज नोन एज क्लोनल सेलेक्शन, मतलब एक जैसा प्लाज्मा सेल्स का बना, क्यों, क्योंकि दुश्मन एक ही है, एंटीजन एक ही है ना, इसलिए। चलिए अब एंटीबॉडी के बारे में ऑलरेडी आपने बता दिया, फाइव टाइप्स, H2L2 इम्यूनोग्लोबुलिन, एंड दीज चेन्स टुगेदर दे आर ज्वाइंड बाई डाइसल्फाइड बॉन्ड, दे आर ज्वाइंड बाई डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये सब भी आपने बता दिया। इट्स बाइवेलेंट, एंटीजन यहाँ आके जुड़ेगा, ये भी आपने मेरे को बता दिया। ठीक, अभी ध्यान से सुनो, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस एंटीबॉडी। देखो या तो ये एग्लूटिनेशन करा देगा, व्हाट इज एग्लूटिनेशन, ये जाएगा एंटीजन के साथ मिलेगा और ये प्रिसिपिटेट हो जाएंगे, दिस इज एग्लूटिनेशन, पहला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। दूसरा या तो ये ऑप्शनाइजेशन कराएगा, व्हाट इज ऑप्शनाइजेशन, सपोज दिस इज एंटीजन, एंटीजन के ऊपर एंटीबॉडी गया और इसको चारों साइड से कवर कर लिया, ये देखो ये एंटीबॉडी गया और इसने चारों साइड से इसको कवर कर लिया, इसका क्या फ़ायदा होगा, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ऑप्शनाइजेशन। नाउ फैगोसिटिक सेल्स कैन ईजली रिकोगनाइज देम, मतलब होम एंटीजन, सो दिस इज ऑप्शनाइजेशन, है ना, दिस इज ऑप्शनाइजेशन। देन वी हैव थर्ड मैकेनिज्म,
Third mechanism is neutralization. What is neutralization? Neutralization means antibody will go and will neutralize the toxic part of the antigen. So this is the method by which antibody can work. ठीक है. So this is the structure of antibody. हमने बोला था this is two heavy chain. ये छोटा वाला is light chain. This is the variable part. देखो variable part जहाँ antigen आएगा. And this is the fixed part. ये fixed part and this is the fixed part. Constant part. C4 constant. है ना ये. This is the, अब इस पूरे लेक्चर में this diagram is very important because it's of NCERT. तो ये आपको आना चाहिए. देखो so this is the आपका NS3 part वाला is जो part है that is variable and जो CO वाला part है carboxyl part वाला जो part है that is constant. और देखो antigen का वो part जो कि antibody में आके जुड़ रहा है, सपोज ये है और ये आके यहाँ जुड़ रहा है ना, ये आके यहाँ जुड़ा, तो वो part आपके आपकी एंटीजन का जो आके जुड़ा, मतलब इसकी बात करें है ना, इसकी बात करें जो आके जुड़ा, दिस इज नोन एज एपिटोप. एपिटोप इज व्हाट पार्ट ऑफ एंटीजन विच इज कमिंग एंड कंबाइनिंग विद द एंटीबॉडी. और एंटीबॉडी का वो पार्ट, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, एंटीबॉडी का वो पार्ट मतलब सपोज हम ग्रीन कलर यूज करते हैं, ये पार्ट जो कि एंटीजन को बाइंड करें, दिस इज पैराटोप. तो पैराटोप इज ऑन एंटीबॉडी एंड एपिटोप इज ऑन, एपिटोप इज ऑन एंटीजन. ठीक है. सो देख सकते हैं जिन बच्चों को. अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ इस वाले डायग्राम में, एंटीबॉडी नीड्स प्लाज्मा फॉर व्हाट टू बी, और वी कैन राइट फॉर ट्रांसपोर्टेशन. फॉर ट्रांसपोर्टेशन इफ़ यू नीड, इफ़ यू वांट टू ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट द एंटीबॉडी फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड यू नीड द प्लाज्मा एंड हेंस इट इज़ नोन एज ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम. वॉट इज ह्यूमरल? ह्यूमरल मीन्स फ्लूड, फ्लूड मीडिएटेड है ना, फ्लूड मीडिएटेड. ठीक है, क्योंकि फ्लूड इज रिक्वायर्ड. एंड आपने देखा था CMIS फॉर्म्स 60-70% ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी एंड HMIS फॉर्म्स 10-20% ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी एंड दिस HMIS ऑल्सो नोन एज एंटीबॉडी मीडिएटेड. वाई? बिकॉज एंटीबॉडी इज बीइंग फॉर्म. ठीक है जी. सो सेम स्टोरी इस स्लाइड में आपको दिखेगी. जिन बच्चों को नोट्स चाहिए अपना पॉज करके आप लिख लेना. सेम स्टोरी, व्हाट इज एग्लूटिनेशन, ऑप्शनाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, यू कैन रीड इट. हाँ, फंक्शन ऑफ IgG, बॉडी फ्लूड को प्रोटेक्ट करता है, ए बॉडी सरफेस को, एम ब्लड स्ट्रीम को, ई फॉर एलर्जी, दिस इज इम्पॉर्टेंट. सो दिस फोर आई विल से दैट यू शुड रिमेंबर दिस फोर, दिस इज इम्पॉर्टेंट. The function of antibody. This is the comprehensive slide for the function of antibody. This is the pentamer which you have told me that pentamer होता है, देखो 1, 2, 3, 4, 5. This is dimer IgA. But कोई बच्चा interested है then you can pause and you can read the slide कि what is the function of IgG है ना, then what is the function of IgA. ठीक है. अदरवाइज एज सच इस स्लाइड से आपके नीट UG के लेवल पर नहीं आएगा. इट्स ओनली फॉर द इंटरेस्टेड स्टूडेंट हु वांट टू हैव सम एक्सरसाइज. ठीक. देन वी विल गो टू नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज बेस्ड ऑन द टू टाइप ऑफ लिम्फोसाइट. देर आर टू इम्यून सिस्टम. ऑलरेडी यू हैव टोल्ड मी एवरीथिंग नाउ. CMIS, AMIS ऑलरेडी नाउ जो भी है इस लेक्चर का हम पढ़ चुके हैं. सिर्फ उसका रिटर्न फॉर्म है उन बच्चों के लिए जिनको नोट चाहिए, देख लेना आप. CMIS आपने बोला 60-70% एंड फोर टाइप. देन सेम स्टोरी, व्हेन पैथोजन इंटर्स इनसाइड बॉडी फर्स्ट APC मिलता है और APC उसे इंटरेक्ट करता है और टी सेल्स को एक्टिवेट कराता है, वही स्टोरी है. एंड सबके चारों के अलग अलग काम हमने यहाँ लिखे हुए हैं ना, किसका क्या काम है ऑलरेडी बोल दिया हमने. देन यस, दिस इज द लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ आवर बॉडी. मीन्स कोई एंटीजन आपकी या पैथोजन आपकी बॉडी में आता है, सबसे पहले वो क्या फेस करता है, वो स्किन को फेस कर, स्किन को उसको पियर्स करके अंदर जाना. सो दिस इज द फर्स्ट लाइन. सेकेंड लाइन न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफोजेज, इनसे उनको लड़ाई करनी. एंड थर्ड में ये लोग आते हैं TNB लिम्फोसाइट, दे आर द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस. ठीक है. सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो. प्लीज़ गो टू द चैनल, लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. We'll do this topic of vaccination and immunization in next lecture. Thank you. Keep working. All the best. Thanks.